इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं फारूक रिजवी शाह साहब। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त देते हैं। नहीं, आप काम भी ऐसा ही कर रहे हो, बहुत खूब। सर थैंक यू। सर, ये जो अभी आपने पोस्ट दिया था, बिगेस्ट डिस्कवरी फर्स्ट अंडरग्राउंड 7 रूम खानका ऑफ कश्मीर, सही बात है। देखिए, इसके बारे में अगर सर अगर थोड़ी वजाहत करते तो। मैं आपको एक बात बताऊं, वो आप देख रहे होंगे कि आज तक पिछले 70 साल किसी ने काम नहीं किया कि जो हमारे 700 साल यहाँ अवलिया कश्मीर आए हैं, वो सादात ऑफ कश्मीर रहे हैं। तो और बहुत ऊंची उन्होंने इबादत की है, बहुत ही आला इबादत की है। हर जगह जगह कश्मीर में जो हमारे अच्छे मुतबरक इस्माइल हसना है, जो अल्लाह ताला के 99 नाम है, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम है, इन्होंने हमेशा, जब पहले बुलबुल शाह साहब आए, तो जब उसने बादशाह साहब को सुनाया वक्त के कश्मीर के बादशाह को 99 नाम और सूरह रहमान की तिलावत, तो वो इमिजिएटली मुतासिर हुए, कहा कि नहीं, ये तो एक अच्छी बात है। उन्होंने खानका बना के थे, और अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने कश्मीर के यहाँ न सिर्फ यहाँ सिक्योर आया, हैंडीक्राफ्ट लाए, बल्कि रूहानी तौर पर उन्होंने 99 नाम की अवराद पता दे दी। और हर जगह जो भी मेरी हमारी कैलकुलेशन है कि अगर एक साल में गहरान फनाफिला बुजारगान दीन सूफी ऑथर स्कॉलर्स उलमा आते हैं, सिर्फ गहरान एक साल में, तो 100 साल में ही 1100 हुए, और 700 साल में 7700 हुए। सिर्फ 77 आइडेंटिफाइड है, जिनमें शेखुल आलम है, हमारे बुलबुल शाह साहब है, अमीर कबीर है, जैन शाह वली है, बाबा शकरुद्दीन है, बाबा पयामद्दीन है, ये यहाँ पे महबूब आलम की आस्थान है, यहाँ दरगाह की आस्थान है, यहाँ पे हमारे जो बहुत बड़े बड़े ईशान साहब की आस्थान है, हमारे बहाउद्दीन साहब की आस्थान शरीफ है यहाँ खुज बाजार में, तो नकबहद्दीन नकशबंदी साहब की यहाँ पे अजान दे दे देते 13 जुलाई को, तकरीबन 1930 में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी, क्योंकि वो वहां पे अजान कंप्लीट करना चाहते थे, और ये 99 नाम अल्लाह ताला के वो उस वक्त माइक पे बोल रहे थे। तो ये जो 99 नाम है, तो ये इनकी गूंज बिल्कुल हंदवाड़ा के जो शाह गंज इलाका है, शाह निगरी, तो निगरी वहाँ उस फोनेटिक में बोलते हैं, बेसिकली शाहनगर है, शाहनगर के वो मावर में है, मावर में शाहनगर इलाका है, मावर के शाहनगर इलाके में वहाँ पे हमारे एक बहुत अच्छे स्कॉलर है, उसका नाम है जनाब खुर्शीद डार साहब, उनके जो बहुत क्लोज एसोसिएट है जनाब मुजफ्फर आल माजिदी साहब, मुजफ्फर आल माजिदी साहब के साथ मिलकर वो ये जो हमारे जो 7700 अवलिया जो अभी आइडेंटिफाई नहीं है, जिसपे कोई काम नहीं है, जो मैंने पहले ही बोला आपको, जिसपे अभी तक किसी ने काम नहीं किया था और न लोगों को बताया था, अब हम एक एंसोक्लोपीडिया का मरतब कर रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि हर दिन हमारे जमात अहले एतकाद के निगरान सुप्रीम आला उलमा, ये कल ही आपने देखा होगा हमारे वहाँ जो शरीफ बुखारी साहब खुद ही बैठे थे, और बड़े बड़े मोतबर अशखाज के साथ मिलकर 99 नाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नाम अल्लाह ताला के वो बाज़ाब्ता उनके रेसिटेशन कर रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोगों ने जहां जहां जिस जिस इलाके में देखे, वहां से उन्होंने हमें ये भेज दिए स्पिरिचुअल डिस्कवरी, जो कि छप रही है कश्मीर थंडर रोज, जो ग्लोबल एडिशन है उसका, ऑनलाइन एडिशन है, जो सारी यूनिवर्सिटीज में इस वक्त फीड हो रहा है, बिकॉज ये स्पिरिचुअलिज्म पे बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो हल अलहजर यूनिवर्सिटी है, चाहे वो यूनिवर्सिटी वहां पे है, बलूचिस्तान में है, कजाकिस्तान में है, अजरबैजान में है, जहां जा टर्की में है, ईरान में है, जो स्कॉलर है, जो लोग हैं, वो इस वक्त ये मटेरियल इनको, इनके लिए बहुत बड़ा प्रेशियस मटेरियल जमा हो रहा है, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे आप दी, आपने भी पढ़ा सुना, डिस्कवरी हुई, इमिजिएटली आप मुझसे रब्ता कर रहे हो, इसी तरह बहुत सारे अभी तक
तकरीबन 100-200 फोन मेरे पास आए इस बारे में कि ये क्या है जनाब। तो आपके जरिए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को पता चलेगा, कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल की वेबसाइट से आप जब ये सुनाएंगे और जो भी दूसरे वेबसाइट है जब ये लोगों तक पहुंच जाएगा। तो कल हमने डॉक्टर ताबिश ने 4 डिस्कवरीज दी है, उसने यहाँ पे हक सादात की दी है, यहाँ मीरवाइज बीरवा ने मुझे ये जो वहां पे भी 7 बुजुर्गान दीन है बिल्कुल जामिया मस्जिद बीरवा के सामने, वहां पे किसी को आप भेज दीजिएगा ताकि अभी मुझे मेरे पास उसके फोटोग्राफ नहीं आए, जो भी बीरवा का अगर आपके जरिए कोई सुनता है तो वो उनके डिस्कवरीज हमें भेजिए, उनकी डिटेल्स भेजिए। तो इसी जो ये रिसर्च चारों तरफ हो रही है, ये तमहीद मुझे इसलिए देनी पड़ी, ये नहीं एक जगह हो रही है, ये चारों तरफ चप्पे चप्पे कोने कोने में हो रही है। हमारे अल्ताफ साहब ने चाडोरा के बहुत सारे जो वहां गुनमात है उनको भेज दिया हमें, हमारे जो मेरे ख्याल में आपने भी बहुत सारे जो शायर खास के है तो उनको आपने बाकायदा फीड किया जो कि अभी तक नहीं आए थे, आपने ऐसे ऐसे बुजुर्गों की ऐसे ऐसी जगह हमें शहर में दिखाई और हमने सुना जो यहाँ हजरत ददमरी का जिसने बहुत बड़ी हिस्ट्री लिखी है कश्मीर की, अगर वो किसी और जगह में पैदा हुआ होता तो वहां पे उसका एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा आस्थान बन गया होता, लेकिन इस वक्त वहां कोड़ा करकट है उसकी आस्थान के जो उनकी रोजा शरीफ भी नहीं है, एक सिंपल सी खबर है वहां मलखा में। तो वो भी कल मुझे एक आदमी शायर खास का बता रहा था, जनाब देखो मैं इसकी इस पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो इसी तरह ये रिसर्च की मावर में इसने खुर्शीद साहब ने और उन्होंने अपने साथ माजिद मुजफ्फर साहब मुजफ्फर माजदी साहब अल माजदी को भी ले गए, वहां पे इन्होंने अचानक देखा कि 7 कमरों का, ये आप सुन लीजिए ये जो आपका सवाल है, 7 कमरों पर मुश्तमिल एक खानका है जमीन के नीचे अंडरग्राउंड है और ये 7 उसके बाद आपके 7 खाने बने हुए हैं, यहाँ 11 खाने बनते हैं खानकाओं के या 7 खाने बनते हमेशा खानका इसीलिए बोला जाता है खानका 11 खाने 11 चैम्बर जहाँ पे बाजाबता 99 नाम बिल्कुल कहे जाते हैं हमारे अल्लाह ताला के भी और रसूल पाक के और नमाजें पढ़ी जाती है मेडिटेशन की जाती है। तो यहाँ पे 13 और 14 सेंचुरी में जो क्या हम कहेंगे कि 1321 से लेकर 1370 तक जो एडी है, तो उस 1321 से 1370 तक अगर आप देखें यहाँ पे गारों में जमीन के अंदर बहुत इबादत, शेखुल आलम ने भी त्रैग्राम में गार में की, या ये वहां पे है जो बस है उनकी जहाँ सदर मौज भी हुआ करती थी, इसकी फैमिली भी हुआ करती थी वहाँ साउथ कश्मीर में, वहां उन्होंने इबादत की। जैन शाह वली ने भी गार में भी जो अगर पहाड़ी में जाए आश मुकाम में तो वो बिल्कुल गार में पत्थरों की मैं गार थी वहां पे थी, और बहुत सारे इलाकों में मैं इस वक्त कितने कितने गिनूं आपको, इवन तोस मैदान में मैं खुद भी बहुत जगहों पे गया हूँ तो वहां पे मैंने देखी है। लेकिन ये जो आज डिस्कवरी हमारे खुर्शीद साहब ने की ये बहुत ही आला डिस्कवरी है, स्पिरिचुअल डिस्कवरी है, ये सिलसिला हमारा पिछले बहुत देर से चल रहा है, स्पिरिचुअल डिस्कवरी छप रही है आप गूगल में, कोई भी गूगल जाकर वो डिस्कवरी स्पिरिचुअल डिस्कवरी देख सकते हैं कश्मीर के 7777 अवलिया की। लेकिन आज जो जनाब अब्दुल वहाब साहब एतकादी जो थे जो बड़े एतकाद को मानने वाले थे, क्योंकि इसके इसके मुजफ्फर अल माजदी के पास जो उनके मामू जान थे उस मामू जान के पास बाज़ाब्ता एक इसकी रिसर्च किताब भी थी, तो उसको उसके पीछे जैसे हजरत इब्न अरबी के संदूक के पीछे लगे थे, अगर आप तारीख का मुताला करें तो जो हजरत इब्न अरबी के पास संदूक हुआ करता था उसमें ख्वाजा खजर के वो पोशाक थी और बहुत सारे तावीज़ात और तबुकरात थे और बहुत बड़ा वो माना जाए, अभी तक मेरे ख्याल में इसमें जो हैगिया सोफिया में वो अभी शायद महफूज है। तो यहाँ पे वो महफूज नहीं रहे जो यहाँ के हमारा लिटरेचर था सरमाया था, और पता नहीं वो क्या वारदात होगी उसके बाप उसके मामा से जो अल माजदी मुजफ्फर अल माजदी के मामा से वो
शायद वो लिटरेचर भी नहीं रहा, लेकिन जो फिर अब विटनेसेस के जरिए हम सुनते हैं, बिकॉज अब तो विटनेस आसार तो विटनेसेस से ही जमा होते हैं, जो विटनेसेस बता रहे हैं, जो लाइव विटनेसेस है और स्कॉलर है जो पीएचडी जो कर रहे हैं, जिन्होंने थीसिस लिखी है, जिन्होंने सूफियत पे काम किया है, जिन्होंने एक एक इलाके पे काम किया है, जमात एतकाद के साथ 42 पीएचडी स्कॉलर इस वक्त जुड़े हुए हैं माशाल्लाह। तो इन सब ने जो इन्होंने काम किया है वहां पे खानका निकली जनाब, ये खानका पहली खानका जो 7 चैम्बर्स के अंडरग्राउंड रही है, जहां पे चिल्ले में रहे हैं जो वहां बुजुर्ग थे, और उनकी आस्थान भी उसके साथ ही है, जो अगर आप देखें 1 किलोमीटर दूर उसकी आस्थान भी वहां पे मौजूद है, और बिल्कुल आप कोई भी जा सकता है और वहां पे जा, क्योंकि ये लोगों ने काम जब किया नहीं, सब अपने आप ही में मस्त थे, तो इसको डिस्ट्रॉय करने में मस्त थे। जैसे मैंने परसों आपको इंटरव्यू में बताया, सबसे ज्यादा जो ज्यादती होगी सूफियत और एतकाद के साथ वो होगी कि 2004 में वक्फ एक्ट बनाया गया, जिसने सूफियत और आस्थानों को बढ़ाने के बदले इनको गिरफ्तार ही कर दिया। इट वॉज अ एनसलेवेटमेंट, इट वॉज अ अरेस्ट ऑफ ऑल सूफी दरगाह एंड सूफी आस्थान। हमारे अगर देखें जो इंडिपेंडेंट पावर थी आस्थानों की, वो छीनी गई 2004 के एक्ट में, वक्फ एक्ट में। और वक्त में जो लोग हैं, मैंने आपके जरिए पिछली दफा भी बोला, चाहे उनको उनसे पूछना चाहिए उनमें से कितने लोगों को ये जो हमारे इस्माई हसना है, जो होनी चाहिए हर एक मौली को, ये पहले जबानी याद होना चाहिए, क्या उसको 99 नाम याद है? किसी भी मौली को आप पकड़ कर बोल सकते हैं जरा मुझे 99 नाम सुनाए, अगर उसने इमिजिएटली वो 99 नाम सुनाए, वो सही मौली, और उसको सही सर्टिफिकेट कश्मीर में मिलती थी कि वो सही मौलवी है। क्योंकि पहले तो ये सर्टिफिकेट कौन देते थे, आम लोग ही पूछ के देते थे जरा सुनाओ, तब आपको मस्जिद के अंदर इमामत करने देंगे, पहले 99 नाम सुनाओ, पहले हमें अल्लाह ताला, क्योंकि ये खत्म कुरान पूरा होता है, क्योंकि ये स्टार्ट से एंड तक 99 नाम जो भी इन्होंने हमारे बुजुर्गों ने इसको निकाले हैं, तो इसको अगर ये याद करते। लेकिन उस वक्त देखो 13 सेंचुरी में ये जो ये खानकाहें थी, यहाँ पे यही तवीदियत गूंजती, ये तवहीद के लफ्ज है, ये खानकाहों में आस्थानों में इन्होंने हमारे बुजुर्गों ने तवहीद का, इन्होंने इश्क रसूल्ला के 99 नाम कहे। और ये जो आज मावर में, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, जो आज मावर में जो डिस्कवरी हो गई है, मैं खुर्शीद साहब को, जो एक सूफी स्कॉलर है नॉर्थ कश्मीर के, उसको मैं मुजफ्फर अल माजदी को इसके लिए बहुत 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 मुबारक देता हूँ। मैं अपने ताबी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, जिसने जो इस वक्त प्लाज्मा की ये भी कंट्रैक्ट ये कर रहे हैं, वो आपको खुद पता है, आप जानते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाँ उन्होंने कितना प्लाज्मा में इस वक्त जो सेव लाइफ को बचाना है उनको कैसे फरीद साहब कर रहे हैं गुपकार में, तो कितना 24 घंटे लगे हुए, लेकिन इसके बावजूद भी इन डिस्कवरियों के कोऑर्डिनेशन हो रही है। मेरे ख्याल में यही है यकीन महकम आमने पायम मोहब्बत फातिह आलम जहाद जिंदगानी में है ये मद्दू की शमशेरे। तो ये जो हमारे जो बुजुर्ग थे उस वक्त, मावर तब दाएं बाएं बस्ती बन गई है, लेकिन उस वक्त आप मावर का हाल देखिए, जैसे ग्रंथ साहब का अशमकाम उस वक्त जंगल था, उस वक्त मावर बहुत जबरदस्त डीप जंगल था, लेकिन आज बस्ती भी है और माशाल्लाह तमाम इलाका एतकादी इलाका है, और वहां पे एक और आस्थान है बीपी आस्थान, तो वो उसको भी डिस्कवर करने की इस वक्त रिसर्च चल रही है, तो मेरे ख्याल में वो भी इंशाल्लाह अगर उसकी पूरी रिसर्च मिल जाए, इसकी रिसर्च तो इन्होंने जम की और इसको हमने पोस्ट भी किया, जो आपने भी देखा और जो सारी दुनिया में ये पोस्ट जाते हैं उन्होंने इसको फीड भी किया। तो ये कश्मीर को मुबारक है कि कश्मीर की सिविलाइजेशन बहुत आला रही है, ये नहीं है, ये हम बुजुर्ग की बात कर रहे हैं, हम बुजुर्ग के जरिए हमारे अपने 700 साल की जो जनरेशन जो यहाँ पे एनरिचमेंट हुई है हमारे हमारे कश्मीर से काशगर तक हमारे सिल्क रूट रेशमी रास्ते हुआ करते थे, कराकुरम हमारा था, काशगर हमारा था, ये सारा बिखर गया है। अच्छा, क्योंकि हमने बुजुर्गाने दीन को के दामन को नहीं पकड़ा जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल रहेगा और आपसे, चाहे कोविड 19 से पहले की हम अगर बात करें, चाहे आप किसी जगह चीफ गेस्ट हो,
चाहे ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जलसे निकलते थे, आप आगे होते थे, और जब जहां आप किसी जगह चीफ गेस्ट आया करते थे या अब भी जाते हैं, मतलब सोशल डिस्टेंस इस वक्त COVID-19 में भी, तो सर मुझे एक चीज बताइए, ज्यादातर आपने यूथ पे फोकस किया, तो क्या इस वक्त आपका मैसेज रहेगा आज के यूथ के लिए? इसलिए मैं आपको बताऊं, मैं तो कभी खिलाफत को मारता ही नहीं, चीफ गेस्ट तो नहीं हुआ करता है, चीफ गेस्ट मैं तो एक खादिम हूँ बस। मैं तो क्या, ये तो यही मौलाना साहब को ही मुबारक हो जो जो मौलाना साहब कह रहा है तो का, लेकिन काम करे। मेरे ख्याल में मुझे अगर कोई मौली साहब बोला मैंने 10 नए बुजुर्गान दीन के बारे में रिसर्च की, मैं उसको सल्यूट करूंगा, नहीं मैं सर, उसको मैं बोलूंगा। लेकिन मेरे सुनिए सुनिए, जी इसके मुकाबले में नौजवानों को मैंने आज देखा, जो मैं जी आपसे जो मैसेज कह रहा हूँ, यही तो आपके सवाल का जवाब है। जो जी नौजवान है, ये वो जमाना गया, वही वही जनाब, एक ग्लोरीफाई करो एक पर्सनालिटी को। हम इस चीज को माने, मैं इस चीज को कायल नहीं हूँ, ग्लोरिफिकेशन भाई, मैं आप बहुत जबरदस्त वो जी वो है, अब मैं अपना एक नया सिलसिला लो, ये हमें सबको जोड़ने की बात करनी चाहिए। जो एतकाद है ये जोड़ने की बात करता है। एतकाद का मतलब है कि ये जो बातर फिरके विरके ये खत्म करो, ये आपसी रंशे वंशे खत्म करो, एक ही एतकाद में सब मुतफिक है कि अल्लाह ताला का तौहीद है और इसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेर साए हर वली है, बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजहबी हनफिया दारम मिलते हजरत खली, दोस्त दारे चार यारम ताबिये औलादे अली, खाक पाए गौसल आजम जेर साए हर वली। इसमें सब कुछ एनकम्पास होता है, किसी के साथ कोई नफरत नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट है सबको। ये नहीं है वो गलत है, ये गलत है, वो के कोई कोई क्या, आप गए थे मखदूम साहब के, क्या आप मखदूम साहब को ये नौजबिल्ला नौजबिल्ला खुदर साहब को सजदा कर रहे हो? नहीं, कोई सजदा नहीं कर रहा है इन आस्थानों को, सजदा कर रहा है अल्लाह ताला को, जात पाक को। लेकिन प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा किया गया, क्यों किया गया ये समझने से बात, और उसका यह नतीजा निकला, हमारी सिविलाइजेशन को तोड़ दिया गया। सिविलाइजेशन पे नई यूथ ने रिसर्च ही नहीं की। आज मैं यूथ से बड़ा खुश हूँ, यूथ बहुत इसकी तरफ जा रहा है, यूथ जगह जगह जा रहा है। यूथ मैं आपने वो देखा होगा वो वीडियो, जब मैं यहाँ पे गया अशमकाम पे, तो आप देखिए कितने हजारों की तादाद में यूथ ने ये मोहब्बत और प्यार से मुझे अपने कंधों पे उठाया, और बाजाबता जो मैंने उनको कहा चलो जी पहली मशाल मैं जलाता हूँ, जो पहली मशाल में, क्योंकि अगर ये मशाल हमारे वली ने जलाई तो इसमें हतक की क्या बात है। मैं कहीं पे जाता हूँ तो सब लोग वहां पे अगर पहली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो आप अपनी पुरानी हिस्ट्री देखो, यहाँ तो बहुत सारे लोग तारियों पे ही पलते थे, तो क्योंकि ये बुजुर्गों के नाम पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ करती थी। तो आप आज हतक महसूस करोगे भाई, इसको भी आप गलत नहीं कहना चाहिए, आपने ट्रेडिशन को मजबूती के साथ पकड़ना चाहिए। मैं आपके जरिए यूथ को पैगाम दे रहा हूँ कि भाई वक्त आ गया है कि आप इस गलती का एहसास समझो कि कहीं पे कहीं कोई गलती मत हुई हमारे कौम से, कि हमने अपने बुजुर्गों को ज्यादा दिया नहीं दिया। क्या हम चार शरीफ नहीं एक साथ जाते थे लाखों की तादाद में, और चार शरीफ में अगर हम बैठेंगे और उठेंगे ही नहीं, हम जो भी हमारी मांग है वो पूरी करके लाएंगे, क्या हम नहीं जाते थे मखदूम साहब में, सीढ़ियों पे चढ़ते थे और सीढ़ियों से उतरकर अगर हम बारिश मांगते तो बारिश होती थी, अगर हम ये मांगते कि बारिश खत्म हो, अब बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो धूप निकल आती थी, जाओ हिस्ट्री पढ़ो, आप मौई मुकदस की हिस्ट्री पढ़ो, जो मौई मुकदस चुराया गया था 1961-62 में, जो वो सानिया हो गया, देखो एक महीने लोगों ने कुछ खाना खाया, कुछ कहीं सड़कों पे ही बैठे थे और तब तक नहीं सड़कों से उठे, हिस्ट्री पढ़ो, तब तक सड़कों से उठे ही नहीं जब तक स्पिरिचुअल इबादत करके, और उस वक्त सड़कों पे ये नहीं होती थी वोट वाल्चर उनके लिए कि वो उसको वोट दो इसको वोट दो, नहीं, वहां पे उस वक्त सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ननानवे नाम के ये चांटिंग होती थी, उसकी रेसाइटेशन होती थी, और तब तक वो नहीं करूं मैं वापस गई जब तक मौई मुकद्दस खुद ही वापस नहीं आया दरगाह।
अगर इसे जानते हो पढ़ो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सर सवाल करो, फिर जनाब फारूक साहब आपने गलत बोला, क्या खुद ही नहीं आया मोई मुकदस अपनी जगह, ये मिरेकल है वर्ल्ड जी। सर मेरा एक लास्ट सवाल रहेगा आपसे, अगर आपका मतलब सोशल मीडिया देखे, आपका फेसबुक देखे, मतलब कुछ दिन पहले की अगर मैं बात करूँ, एक छोटा बच्चा जियारत पे सर झुकाए हुए, या आज सुबह भी आपने एक पोस्ट दिया एक छोटा बच्चा हाथ लेके, तो आपने उस पर कुछ लिखा, उस पर आप थोड़ी सी सर कुछ रोशनी डाली। देखिए देखिए मैं यही तो, ये सबसे अहम पोस्ट आपने देख लिया है, वल्ला वल्ला आपको मैं, अगर इस वक्त आप मेरे सामने होते मैं, और क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है, टूम नहीं सकता हूँ, हाथ नहीं मिला सकता हूँ, लेकिन अपने सीने पे हाथ रख कर आप तक सलाम पेश पहुंचा रहा हूँ कि आपने मेरी उस पोस्ट का रेफरेंस दिया जहाँ एक छोटा सा कुछ 8 या 9 साल का, नहीं अप्रोक्सीमेटली 4 ईयर का है वो, 4 5 मैंने देख लिया, वो 4 ईयर्स का 5 ईयर्स का बच्चा जो था, वो मैंने जो पिकअप किया ये फोटोग्राफ, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ टेकन सो फार। ये बंद है, ये शटर लगे हुए है जो आस्थान का है, उसने बिल्कुल बंद है, वो उसने अंदर जा नहीं सकता है, वो रोज रोजे पाक, लेकिन वो बाजा फातिया पढ़ रहा है। आज उसकी एज में वो जो अपने बुजुर्ग को याद कर रहा है, इसका मतलब है अगले 1000 साल वो जनरेशन हमारी, आगे वाली जनरेशन 1000 साल की, 1000 साल हमारी जनरेशन उस बुजुर्ग को नहीं बोलेगी जिस बुजुर्ग ने कश्मीर को बनाने में अपनी स्पिरिचुअलिटी के जरिए कश्मीर को एक ऐसी शेप दी कि दुनिया अशर्स कर रहा था कि मोहब्बत की जगह अगर जाना है, अगर आपको जन्नत में जाना है, वो जन्नत वहां किन्होंने बना दी, यहाँ के बुजुर्गों ने बना दी, यहाँ के अवलियाओं ने बना दी कश्मीर को जन्नत। हमें इसको, ये जो आप कह रहे हैं मुझे, आपने जिस पोस्ट की तरफ रेफरेंस किया, इट इज नॉट अबाउट अ पर्सन, इट अबाउट अ जनरेशन। ये जनरेशन की इंडिकेशन है कि जनाब यहाँ एतकाद की बुनियादें इसी तरह है। आज दुनिया में देखो 600-700 साल के वो निकाल रहे हैं, हैगिया सोफिया क्या है, हैगिया सोफिया एक सूफी सेंटर है, सूफी का मकाम है, और उसकी जब हिस्ट्री पढ़े, उस हिस्ट्री में म्यूजियम की जगह अगर वहां इबादत होती है तो अच्छी बात है, और वहां पे 99 नाम पहले खुतबे में गिनाए गए, बहुत अच्छी बात है, सबने अप्रिशिएट किया, चारों तरफ इसकी इन्फॉर्मेट, क्योंकि इन नामों में मोहब्बत भी है, अल्लाह ताला को बाज़ाब्ता हम हर एक फॉरम में डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसको अल मुसव्विरु भी कहते हैं, और रज़ाकू भी कहते हैं, अल वहाबु भी कहते हैं, अल कदूसु भी कहते हैं, अल अज़ीज़ु भी कहते हैं, ये सारे जब हम इनको नाम दे रहे हैं, तो ये कश्मीर के हर नई इस बच्चे की जबान पर जब ये नाम है और ये आस्थान पे ये गिन रहे, तो बड़े बड़े जो हमारे मौली साहब हैं उनको भी जरा आप ही सिखा दीजिए उनको। मैं चाहूंगा कि आप उनके पास जाकर जिस जिसको याद है उनको भेज दीजिए, किस अगर जिसको याद नहीं है उसको शर्माने की जरूरत नहीं है, वो बाजाबता याद करके फिर सुनाए, और अपने मोहल्ले वालों को सुनाए, अपने घर में बैठकर ही ऑनलाइन उनको सुनाए, घर में इस वक्त सब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के साथ साथ अगर इन चीजों का गर्दान करेंगे, ये वजीफे है, इन वजीफों को पकड़ के रखना चाहिए। इस बच्चे ने इस वजीफे को पकड़ा है, मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो 4 या 5 साल के बच्चे को आज 99 नाम अल्लाह ताला के भी याद है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो। चलिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दे दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया, 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 शुक्रिया।